अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद अब्दुल हकीम, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। शहनाजगंज पुलिस स्टेशन लिमिट्स में चबूतरा मिशन का आगाज किया गया, जहां पर 52 बच्चों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग करने के बाद उन्हें फिर छोड़ दिया गया है। पेश है इस मामले पे हमारे नुमाइंदे अहमद की ये रिपोर्ट। नाज़रीन, बेरोजगारी हमारे मुल्क का एक संगीन मसला है, जिसका हल शायद हमारी मुल्क की किसी भी सियासी जमात के पास नहीं है। बेरोजगारी की वजह से हमारे नौजवान बेकार वक्त गंवाते हुए चबूतरों, नुक्कड़ों और होटलों में वक्त गुजारते नज़र आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेरोज़गार ही चबूतरों और नुक्कड़ों पर वक्त गुजारी करते हैं, बल्कि कामकाज करने वाले भी ड्यूटियों से आकर चबूतरों और नुक्कड़ों पर वक्त गुजारते हैं। चबूतरा मिशन के तहत शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन हदूद में चबूतरा मिशन अमल में लाया गया, जिसमें 52 लोग गिरफ्तार किए गए और उनकी काउंसलिंग की गई। बाद अजा उन्हें रिहा भी कर दिया गया। हमारा डिवीजन की फोर्स से मिशन चबूतरा करे ऑपरेशन कंडक्ट किया, उसमें से 25 आदमी को कस्टडी में लिए। उसमें कम से कम 20 आदमी फर्स्ट टाइम ये एरिया में मिल गया, वो लोगों को काउंसलिंग दे के दिया है। और उसमें से 4 लोगों का कोई ऑफेंडर से लिंक है, वो लोग इंटरेक्शन करने के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए वो लोग को 4 लोगों को कस्टडी में लिए। कौन से ये फर्स्ट लाइन सर, और उसके एरिया में माइनर लिमिट्स के एरिया में कुछ मिशन चल रहा है। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।